हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, आज से हम वोकैब का एक सेशन करेंगे जो आपको डेली यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे शाम को 7 बजे अपलोडेड वीडियो मिलेगा। ये इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जस्ट लाइक SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे CHSL, MTS आने वाला है, एक BHU और DMRC, इन चारों को हम ज़्यादा कवर करते चलेंगे और एकदम बेसिक से ऊपर तक जाएंगे। बेसिक से कहने का मतलब जो सारे एग्ज़ाम को हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये CGL को नहीं करेगा, CGL को भी करेगा और बैंक को भी करेगा, क्योंकि सारे जो इंग्लिश ग्रामर का वोकैब होता है वो एक ही सेशन होता है, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। देखिए, तो मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम लोग कुछ वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड जो पढ़ेंगे वो स्टार्ट होगा ए से। किस चीज़ से स्टार्ट होगा? ए से, ए या एन से। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि अगर ए या एन रहे, इसका हिंदी होता है विदाउट, इसका इंग्लिश क्या होता है? विदाउट। विदाउट कहने का सेंस ये है, जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड लेता हूँ जो आप लोग को पता भी होगा, ए बायोटिक। मैंने एक वर्ड लिया ए बायोटिक, ठीक है। देखिए, ए बायोटिक क्या होता है? ए बायोटिक को हम डिटेल में देखें तो इससे हम ए को हटा के और बच गया क्या? बायोटिक। तो बायोटिक बच गया, तो बायोटिक का हिंदी होता है जैविक। क्या होता है? जैविक होता है। अब आप लोग को मैंने बताया कि ए लगा है, ए का मतलब होगा विदाउट, यानी जो जैविक नहीं हो। तो आप लोग ही बताइए, जो जैविक नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे? अजैविक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ज़रूर बोलेंगे। ए बायोटिक अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अगर पूछे कि एबायोटिक क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है अजैविक, और इसका ही उल्टा होगा जैविक यानी बायोटिक। तो ऐसा ही कुछ हम वर्ड करेंगे, और सिर्फ इस वीडियो में मैं ए का सेशन ही लाया हूँ, ए का ही वीडियो मैं करूँगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद एक होता है एविजमल, इसके बाद एक छोटा सा है, एक मिनट, एविजमल, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है बहुत बुरा। क्या होता है? बहुत बुरा। कहने का मतलब वेरी बैड। अगर आपसे पूछे कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो देखिए, इसका सिनोनिम्स होता है टेरिबल। क्या होता है? टेरिबल होता है। इसके बाद एक छोटा सा मैं वर्ड करूँगा जिसका क्या नाम है, एवेस। एवेस का मतलब एक नॉन है, इसका अर्थ होता है बित्तल, किसी चीज़ में बित्तल, ठीक है। जैसे होल डैट सिम्स टू हैव नो बॉटम, उसी को क्या बोलेंगे? बित्तल बोलेंगे। देखिए, इसके बाद एक है एकार्पस। ये बहुत ही शानदार वर्ड है एकार्पस, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका हिंदी होता है अनुपजाऊ। क्या होता है? अनुपजाऊ होता है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? अनुपजाऊ। अनुपजाऊ कहने का मतलब, अगर पूछे कि इसका सिनोनिम्स क्या, पूछे सिनोनिम्स, तो देखिए, एकार्पस का सिनोनिम्स बैरन भी हो सकता है, बैरन का मतलब भी अनुपजाऊ होता है, फ्रूटलेस भी हो सकता है, फ्रूटलेस का मतलब भी होता है, और इनफर्टाइल होता है, अनफर्टाइल नहीं, इनफर्टाइल, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? अनुपजाऊ होता है, ठीक है। इसके बाद एक मैं छोटा सा एक वर्ड लेना चलूँगा, 5वां नंबर, इसको बोलेंगे एसेंट्रिक। ये अब बहुत सारे लोग को पता होगा, एसेंट्रिक। यार, पेन थोड़ा चल नहीं रहा है अच्छा से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज मैंने एक एसेंट्रिक, अगर देखिए सेंट्रिक को हम अगर देखें तो इसका हिंदी क्या हुआ? केंद्रीय हुआ। ए लगा है यानी विदाउट, यानी जो केंद्रीय नहीं हो, तो जो केंद्रीय नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अकेंद्रीय बोलेंगे। बोले जल्दी, अकेंद्रीय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो ज़रूर बोलेंगे। अकेंद्रीय यानी विदाउट ए सेंटर, जो सेंटर पे ना हो, विदाउट ए सेंटर, ठीक है। देखिए, इसके बाद अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो एक वर्ड होता है
एसेफेलस, ये ही बहुत अच्छा वर्ड है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है बिना सिर का, बिना सिर का। बिना सिर का कहने का मतलब हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड। या इसको हम नेतृत्व विहीन भी बोल सकते हैं, नेतृत्व विहीन, यानी हैविंग नो लीडर और रूलर, हैविंग नो रूलर और रीडर। देखिए ये लीडर, देखिए ये लिखने का मतलब ये होता है कि वन वर्ड या आइटम्स फ्रेज जो होता है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सिर्फ सीनो ही एंड सीनो और एंटो ही नहीं करूँगा, मैं इसमें ओ डब्ल्यू एस के साथ साथ आइटम्स एंड फ्रेज भी करूँगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस मेरे आने वाले एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी बैंक का एग्ज़ाम या डीएमआरसी और हाली फिलहाल में होने वाला एग्ज़ाम बीएचयू पे ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक छोटा सा वर्ड होता है प्यारा सा, जिसको हम एक्रोमैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमैटिक। बहुत सारे स्टूडेंट इसका अर्थ जानते भी होंगे, ACHROMATIC। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है और इसका हिंदी होता है बिना बिना रंग का, यानी बिना रंग का, विदाउट ए कलर, विदाउट कलर। इसका अगर सिनोनिम्स पूछे तो बिना रंग का क्या होगा, कलरलेस होगा या कलरफुल होगा, तो कलरलेस होगा। अब देखिए इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड होता है जिसको हम ए साइक्लिक बोलते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, वो मैंने ऐसे ही लिख लिया, साइक्लिक और ए साइक्लिक। इसका मतलब होता है अचक्रिय, ये एडजेक्टिव होता है। अगर साइक्लिक बोलेगा तो इसका अर्थ क्या होगा? चक्रिय। अगर ए लग गया तो विदाउट हो गया, तो चक्रिय, और विदाउट चक्रिय तो क्या होगा? अचक्रिय। देखिए उसके बाद एक प्यारा सा वर्ड होता है जिसका नाम है क्या? एग्नोसिया। ये बहुत प्यारा सा वर्ड है एग्नोसिया। ये अपने आप में एक नॉन का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? नॉन का। जैसे इसको हम बोलते हैं संवेदन लोप। संवेदन लोप से अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो इसको मतलब होता है जो वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थ होता है, जो व्यक्ति या वस्तु को पहचानने में क्या होता है? असमर्थ होता है, यानी इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, ठीक है। संवेदन लोप जो व्यक्तियों और वस्तुओं को पहचानने में क्या होता है? असमर्थ होता है। देखिए एग्नोसिया है और इसी का हम एक छोटा सा इसमें हम चेंज करेंगे और क्या बनाएंगे? एग्नोस्टिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एग्नोस्टिक। ये अपने आप में एक नॉन भी नॉन होता है। अभी मैंने एग्नोसिया देखा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्नोसिया का मतलब जो व्यक्ति और वस्तु किसी को पहचानने में असमर्थ होता है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, जो अनबिलीवर होता है, अज्ञेयवादी, जिसको हम अनबिलीवर भी बोल सकते हैं। यानी अगर पूछ वन वर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, ठीक है। तो ये वन वर्ड में पूछा जाता है तो इसका अर्थ क्या होगा? एग्नोस्टिक हो गया, अज्ञेयवादी, जो बिलीव नहीं, अनबिलीवर। इसके बाद एकदम इसी तरह का ही वर्ड होता है, मैंने देखा एक एग्नोसिया, एक देखा एग्नोस्टिक, और इसी तरह का एक वर्ड होता है एगोनिक, AGONIC। तो देखिए एगोनिक का मतलब होता है कोण रहित, कोण रहित, यानी कहने का मतलब जो
कोण नहीं बनाता है, जो कोण ना बनाता हो, यानी अगर इसको हम बोलें तो इसका होगा नॉट हैविंग, आइटम्स में अगर पूछे तो नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, ठीक है। देखिए इसके बाद एक लास्ट में आज का लास्ट वर्ड होगा जो बहुत ही प्यारा होगा, प्यारा इस बे में है, देखिए कैसे प्यारा है। देखिए 12 नंबर आज का लास्ट सेशन होगा, ये होता है एग्राफिया। ए जी, आज पेन अच्छा से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है पेन को, तो दोबारा लिखना पड़ेगा एग्राफिया। देखिए एग्राफिया का मतलब क्या होता है, एग्राफिया जो है अपने आप में नॉन होता है, क्या होता है, नॉन होता है। एग्राफिया का मतलब होता है लेखन क्षमता, लेखन क्षमता, लेख, एक मिनट इसको मैं एक जगह लिख देता हूँ, नॉन होता है लेखन अक्षमता, यानी सुनकर लिखने में अक्षमता। जैसे क्लास में कोई बच्चे को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट सुनकर नहीं लिख पाते हैं, तो सुनकर जो नहीं लिख पाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एग्राफिया बोला जाता है, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, एग्राफिया बोला जाता है। कहने का मतलब लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, ठीक है। दम दो मिनट में हम रिवीजन करेंगे, एक मिनट में। मैंने पहला वर्ड क्या पढ़ा, एबायोटिक पढ़ा, एबायोटिक का मतलब पढ़ा अजैविक, उसके बाद पढ़ा एविजमल, एविजमल का मतलब बहुत बुरा, एवेस, एवेस पढ़ा, इसका मतलब होता है बित्तल, उसके बाद पढ़ा एकार्पस, एकार्पस का मतलब होता है अनुपजाव, उसके बाद पढ़ा मैंने एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब अकेंद्रीय, उसके बाद पढ़ा एसेफेलस, इसका अर्थ होता है बिना सिर का, ठीक है। छः हुआ और छः एक और देखिए, उसके बाद मैंने पढ़ा एक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक का मतलब बिना रंग का, उसके बाद मैंने एसाइक्लिक पढ़ा जो कि एकदम आज का सबसे हल्का वर्ड, इसके बाद हम तीन एक जैसा वर्ड पढ़ा एग्नोसिया, जो क्या होता है, एग्नोसिया होता है जो व्यक्ति और वस्तु को पहचानने में असमर्थ होते हैं। इसी तरह का पढ़ा मैंने एग्नोस्टिक, जो अनबिलीवर होते हैं, अज्ञेयवादी जिसको बोलते हैं, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। और एक पढ़ा मैंने एगोनिक, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, इसका जो कोण नहीं बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एगोनिक। और एक प्यारा सा वर्ड पढ़ा मैंने जिसको बोला एग्राफिया, एग्राफिया, जो सुनकर लिखने में असमर्थ होते हैं, जिनमें क्षमता नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। तो आज मैं इस सेशन यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डेली वीडियो आप लोग को 7 बजे 7 PM में अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।